हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जो ट्रिम मेकर के बारे में, जिसे राउटर भी बोलते हैं, जिससे आप यदि लेमिनेट का आप उसकी फिनिशिंग लेनी हो या फिर कहीं भी आपको इसमें जैसे कोई हैंडल का खांचा वगैरह मारना तो आसानी से मार सकते हैं। और इसका बहुत सारे यूज़ होते हैं जो मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। तो दोस्तों, आज मैंने ख़रीदा तो इसके अनबॉक्सिंग, इसमें क्या क्या साथ में मिलता है, प्लस इसकी प्राइस वगैरह पूरा बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, इसकी कंपनी की बात करें तो डीसी के मतलब डॉग कंपनी के है। उसके साथ दोस्तों, इसके ऊपर जो अलग अलग भाषा में इसका नाम भी लिखा गया है, ट्रिमर है या फिर मैसिंग प्रोफाइल से तू टंगन करके। और इसका मॉडल की बात करें KM2026 है। और यहाँ पर जो पावर की लिखी गई तो 350 वाट की है। उसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको वेट मिल जाता है लगभग 2 kg के आसपास, 1800 ग्राम मिलता है। और अभी इस साइड भी सेम ही लिखा गया है। और ऊपर प्राइस की बात करें तो दोस्तों, इसके ऊपर प्राइस लिखी गई है वो बहुत ज़्यादा लिखी गई है, और मैं इसकी एक्चुअली प्राइस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, तो लास्ट तक देखिए वीडियो। तो इसकी प्राइस यहाँ पर तो 3870 लिखी हुई है। तो मैं बात बता देता आपको अनबॉक्सिंग करके। तो दोस्तों, जितने हम इसमें खोलते हैं तो इसमें मिलता है आपको एक ट्रिमर, जिसको राउटर बोलते हैं। और इसके साथ दोस्तों मिलता है ये गैस एक फिट करने के लिए, और इसके साथ इसके पाने मिलते हैं, और इसके साथ इसका वारंटी कार्ड मिलता है। तो ये लगभग डोंगसेंग कंपनी की है। और इसमें जो पाने हैं और इसके साथ दो आपको कार्बन भी मिल जाते हैं। और इसके साथ जो मैंने बिट है वो तो मैंने खरीदे अलग से, क्योंकि बिट इसके साथ नहीं आते, और इसके बिट भी महंगा आते, लगभग 250 से लेकर 300 के आसपास अच्छा बिट मिलता है आपको। तो अब बात करें दोस्तों इसके राउटर की। तो राउटर में आपको देखने के लिए तो एकदम सामने प्लास्टिक का ही है, लेकिन वो प्लास्टिक का ही ऐसा रहता है, क्योंकि इसमें जो आपको देखना चाहिए जो आप जरी वगैरह मारे तो। और इसमें आप कैच भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से आप कम ज़्यादा करके आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। और बिट इसको फिट करने के लिए आपको मालूम होगा या फिर मैं वीडियो आपको बता दूंगा। इसके साथ यहाँ पे 350 वाट यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, इसके नंबर वगैरह। और पिन की बात करें तो पिन लगभग 2.5 से 3 मीटर लंबी होगी। और इसकी क्वालिटी वगैरह मैंने पहले भी यूज़ की है, तो मैं ज़्यादातर क्वालिटी जो यूज़ करता हूँ उसके बाद ही मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ और आपको बताता हूँ। तो क्वालिटी वगैरह इसकी बहुत अच्छी है। नॉर्मली आपको 1-2 साल तक इसमें कोई भी, यदि आप अच्छी तरह से यूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब बात करें इसमें प्राइस की। तो दोस्तों, इसकी प्राइस ये लगभग मैंने मार्केट से ख़रीदी है, वो 1700 रुपये में ख़रीदी है। तो आपको ये 1700 लेकर 2000 के बीच बीच आपको मिल जाता है। और ये चाइना का है, लेकिन दोस्तों इसमें जो चाइना की तरह नहीं है, ये लगातार लगभग अच्छी क्वालिटी का है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।